नमस्कार। लाइफ में इन पांच मौकों पर हमेशा चुप रहना। अगर यहां आप बोले, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता। हर इंसान के जीवन में से पांच मौके आते हैं, ऐसे मौके आते हैं जहां पर उसको चुप रहना, साइलेंट रहना बेहतर होता। अगर उस जगह वो बोल गया ना, तो उसको इकोनॉमिक नुकसान, उसको सोशल नुकसान और उसको अपनी पर्सनालिटी का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वह नुकसान उसके लिए बहुत भारी हो सकता है। ऐसे पांच मौके कौन से हैं अपन देखेंगे, आइए देखते हैं। नंबर वन, क्रोध में हमेशा चुप रहें। अगर जब भी आपको एक नियम बना दे कि अगर आपको क्रोध बहुत आता है तो क्रोध में नियम, जब भी क्रोध आए तो मैं बिल्कुल मुंह को साइलेंट कर दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। क्रोध में क्या होता है, क्रोध में व्यक्ति अटम सटम हर कुछ बोल जाता है, और जब उसका क्रोध शांत होता है तो फिर उसको पता चलता है कि मैंने सामने वाले को क्या कह दिया। अधिकतर लोगों के मुंह से क्रोध में गाली निकलती है, और इतनी गंदी गाली निकलती है कि सामने वाला सुन न सकता है। और जब वो क्रोध शांत होता है तो फिर उस गाली का उसको अर्थ समझ में आता है, और फिर अर्थ समझ कर क्या मतलब। कहते हैं ना, ध्यान रखना, लाइफ में सिर्फ अस्त्रों से ही किसी को घायल नहीं किया जाता है। अगर आपके पास कोई अस्त्र है, उस अस्त्र से ही किसी को आप घायल नहीं कर सकते। आप अपने शब्दों से भी सामने वालों को घायल कर सकते हो। इसलिए क्रोध में हमेशा चुप रहना, वरना आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिना तथ्य के न बोले। अगर मान लो कहीं आप पांच जने बैठे हो और किसी भी मुद्दे पर बात हो रही है, अगर उस मुद्दे को आपको नॉलेज नहीं है, वहां पर जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक की आपको जानकारी नहीं है, तो वहां पर आपको चुप रहना बेहतर है। सब जने बोल रहे तो आप उनकी सुनिए। अगर आप उस मुद्दे से रिलेटेड आपको तथ्य मालूम नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप न बोले। उस मुद्दे से रिलेटेड अगर आपको तथ्य जानकारी नहीं, और आप बोलोगे तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे कि यार कुछ पता नहीं, और हर कुछ बोल रहा है। तो बिना तथ्यों का कुछ भी नहीं बोले। अगर कहीं पे भी वाद विवाद हो रहा है, अगर आपको उस विषय के संबंधित जानकारी ना हो, तो कभी ना बोले। जिस मुद्दे के आपसे रिलेटेड ना हो, कभी ना बोले। जैसे चार पांच जने बैठे कोई बात कर रहे, कोई भी मुद्दा अगर आपसे रिलेटेड नहीं है, आपकी जानकारी के संबंधित नहीं है, तो मत बोले वहां पर। बिना फालतू के क्यों बोलना। हां, अगर आपके रिलेटेड कोई संबंधित कोई वाक्य हो, या संबंधित कोई मुद्दा हो, या आपके नॉलेज इंक्रीज के लिए कोई मुद्दा हो, तो वहां बोलिए आप। वरना ऐसी जगह मत बोलिए कि जहां पर आपसे रिलेटेड कोई बात ना हो, वहां पर हमेशा चुप रहना। किसी के बारे में मत बोलना। आप दस जने बैठे और नॉर्मल ऐसी बात हो रही, तो किसी के बारे में आप गलत मत बोलना, किसी के बारे में आप ऐसे उल्टा सीधा मत बोलना। दूसरे चाहे बोल रहे हैं, दूसरे चाहे मजाक उड़ा दे, उड़ाने देना। लेकिन क्या पता, अगर आप थोड़ा सा भी बोलो और सामने वाला आपके ऊपर पड़ जाए। जब दूसरों के बारे में बात हो रही हो, जब दूसरे के बात में लोग अटेंशन में बात कर रहे हैं, तो वहां पर अपना बात करना उचित नहीं है। शब्दों से किसी को न पहुंचाए ठेस। ऐसे शब्द कभी मत बोलना कि सामने वालों को ठेस पहुंच जाए। कहता है ना कि जब वर्ड मुंह से एक बार निकल जाता है तो वापस उसको आप ले नहीं सकते हो। तीर कमान से निकल जाता तो निकल जाता है, वापस नहीं आता है। ऐसे ही आपके शब्द, अगर एक बार आपने गलत शब्द बोल दिया ना, सामने वाले को ठेस पहुंच गई ना, वो जीवन भर आपके उन शब्दों को याद रखेगा, और वो शब्द आपके लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। आपकी लाइफ के लिए, आपकी आर्थिक लाइफ के लिए, आपकी सोशल लाइफ के लिए, आपकी परिवार के लाइफ के लिए, आपके लिए वो शब्द हमेशा भारी पड़ सकते हैं। तो इन पांच मौकों पर आप हमेशा चुप रहना। जब भी आपने बोला ना, तो आपको हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा।